नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MGS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सुबह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो वीडियो थी हमारी यहां तक कवर हुई थी। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो वोल्टेज के बारे में मैं आपको बता रहा था। हमने ये टॉपिक यहाँ तक वोल्टेज को मापने का यंत्र जो है वो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं यहाँ तक कवर कर लिया था। अब आगे जो है यहां से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, मैं वोल्टेज मापने के लिए जो यंत्र होता है वो आपको पता है वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, आपको जोड़ के मैंने दिखाया था। अब नेक्स्ट आगे क्या है? पीछे हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक लो वैल्यू का जो प्रतिरोध है, जो लो वैल्यू का प्रतिरोध है उसको हमने संट क्रम में, मतलब संट मतलब होता है हमारा पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में हमने लो वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ा था जो भी हमारा एमिटर था उसके साथ में। अब क्या है, अगर हमारी वोल्टेज जो है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की रेंज हमें इंक्रीज करनी है, वोल्ट मीटर की रेंज हमें बढ़ानी हो, तो जैसे कि हमारे पास ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हम मापते हैं 0 से लेके 110 वोल्टेज ये मापता है। हमारे पास वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो गई 220 वोल्ट तक हमें मापनी है हमारी वोल्टेज, तो हमें क्या करना होगा? इस वोल्ट मीटर के साथ में एक हाई वैल्यू का प्रतिरोध, वो क्या है, सीरीज में हमें जोड़ना होगा। कैसे? अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो क्या करेंगे हम? एक हाई वैल्यू का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, मतलब हाई वैल्यू का प्रतिरोध सीरीज में हम जोड़ेंगे किसके साथ में? वोल्ट मीटर के साथ में। जैसे हमारा ये वोल्ट मीटर है, इसके साथ में सीरीज के अंदर हम एक हाई वैल्यू का जो प्रतिरोध है वो हम इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे और इसे बोलेंगे हम RSE, सीरीज प्रतिरोध। ओके दोस्तों, तो यहां तक हमारी बात हुई है वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को हम बोलते हैं प्रेशर। वोल्टेज एक किस्म में प्रेशर होता है जो कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करवाने में हमारी सहायता करता है, इसे बोलते हैं हम वोल्टेज। वोल्टेज की जो इकाई है वो हमारी क्या है? वोल्ट होती है। वोल्टेज को मापने का जो यंत्र है वो होता है वोल्ट मीटर, और हमेशा वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर की हमें रेंज बढ़ानी है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको रेंज बढ़ाने वाली, ये साइंस के अंदर और हमारा टेक्निकल पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी उठाए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको आप ध्यान में रखना। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हाई वैल्यू का प्रतिरोध चाहिए। अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी हो, अगर हमारे पास एमीटर है उसकी रेंज बढ़ानी है तो लो वैल्यू का प्रतिरोध, शंट, पैरेलल, समांतर, ये तीनों एक ही चीजें हैं, इनमें हमें जोड़ना होगा। तो ये बातें होगी वोल्टेज की। अब वोल्टेज के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम। वोल्टेज के फॉर्मूलाज के बारे में आपको सभी को पता है कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। इसकी इकाई आपको पता चला, वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट होती है हमारी। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। सबसे पहले ये फॉर्मूला सभी को पता है, V बराबर IR होता है हमारा। ये इसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारा क्या होता है? वोल्टेज में गिरावट, मतलब इसे बोलते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा होता है वोल्टेज ड्रॉप, कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको बोलते हैं V बराबर IR। ये हमारा रियल फॉर्मूला नहीं होता। रियल फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन, ये हमारे पास क्या है? Q। ये हमारा क्या है? वोल्टेज का रियल फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। अगर हम इसको देखें, ये फॉर्मूला हमारा कैसे बना उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अब इसकी इकाई की बात करेंगे हम। W हमारा क्या होता है? यहां पर होता है ये विद्युत
ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं W। और Q हमारा, आपको पहले बताया था हमने, ये होता है हमारा आवेश। Q को लिखते हैं आवेश से। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है सभी को पता होना चाहिए, ये होती है हमारी जूल। विद्युत ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा नाम आ गया तो उसकी इकाई क्या होगी? जूल। आवेश की इकाई आपको पता है ये होती है कूलाम। आवेश की इकाई होती है कूलाम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी वोल्टेज की जो एक नई इकाई बनी है, जूल बटा कूलाम, वोल्टेज की इकाई हो गई। अब अगर जूल की जगह कहीं पर ऐसे हो वाट सेकेंड बटा कूलाम, ये भी हमारी क्या है? वोल्टेज की इकाई बनती है, वाट सेकेंड बटा कूलाम। जैसे कि विद्युत ऊर्जा है, आगे हम विद्युत ऊर्जा को क्या है एक्सप्लेन करेंगे, विद्युत ऊर्जा क्या चीज है, वहां पर आपको ये समझ आएगा कि वाट इंटू सेकेंड कैसे बन रहा है। ओके, तो दोस्तों यहां तक आपको पता चला है वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर IR, ये इसे बोलते हैं वोल्टेज में गिरावट। ओके, रियल फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर W/Q। यहां पर क्या है, ये वी हमारा है, इस तरह से लिख रहे हैं, ऊपर भी क्या है ऐसे वी आकार का, ये जो वर्ड है, जो शब्द है, वो ऊपर होना चाहिए, और बटा में क्या है क्यू हम याद रखेंगे। ये याद रखने का तरीका होता है, वी बराबर सेम इस आकार का ऊपर हमें अक्सर दिखाई देगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी, इसको लिखते हैं हम W से, ये होता है I² R गुणा में T। कितने टाइम के अंदर कितनी हमारी पावर है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, I² R किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा P का। पी को भी आगे देखेंगे, पी का फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पी के काफी फॉर्मूले होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। I² R क्या है? ये हमारा पी है, तो ये आपको पता है टाइम है। ओके, यहां से अगर इकाई की बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, आपको मैंने एक इकाई बताई है, कहीं पर एनर्जी नाम लिखा हो, ऊर्जा नाम लिखा हो, उसकी इकाई क्या लिखेंगे? जूल। उसकी इकाई लिखेंगे जूल। और आपको मैंने एक इकाई और बताई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, या फिर क्या होता है वाट इंटू सेकेंड। ये वाट इंटू सेकेंड कैसे बनी है ये देखते हैं। I² R क्या लिखते हैं? पी। पी मतलब पावर। पावर की जो इकाई है वो क्या होती है हमारी? वाट गुणा में टाइम। टाइम की इकाई क्या होती है? सेकेंड। ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई, जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई वाट गुणा में सेकंड होती है। ओके दोस्तों, तो यहां से क्या है हमारा वाट सेकंड ये बना है। एक एनर्जी की इकाई जूल, आपको ये सभी को पता होगा। जैसे बात करें अगर वर्क है हमारा, कार्य है, कार्य की इकाई भी क्या होती है? जूल होती है। हीट है मतलब उष्मा, उष्मा की इकाई भी क्या होती है? जूल है। और एक ये का हमारा क्या है, एक ये है एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई भी क्या होगी? जूल होगी। ये तीनों आप ध्यान रखना, वर्क की इकाई जूल, हीट की इकाई भी जूल, एनर्जी की इकाई भी जूल होती है। ओके दोस्तों, तो यहां तक आपको पता चला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो इकाई है वो जूल होती है या फिर वाट सेकेंड, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाट सेकेंड का। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, जो घरों के अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको बोलते हैं हम कॉमर्शियल एनर्जी, उसे बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी की जो इकाई है वो क्या होती है? KWH। सबसे ज्यादा पूछ लेने वाली बातें, जो हमारा घर के अंदर मीटर होता है, मीटर का जो बिल आएगा
उस बिल के अंदर क्या लिखा होगा, जितनी हमारी यूनिट निकलेगी। अब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास 5 यूनिट, अब की बात बिल है 5 यूनिट का, तो जो यूनिट है वो हमेशा किस में होती है हमारी, वो होती है KWH के अंदर। ओके, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। कॉमर्शियल एनर्जी की जो इकाई है वो क्या होगी, KWH। ओके, यहाँ तक आपको पता चला। अब बात करेंगे हम पावर की, पावर के भी काफी फॉर्मूलाज हैं। पावर, पावर को क्या लिखते हैं हम, शक्ति। पावर को लिखते हैं हम शक्ति से। पावर का फॉर्मूला की बात करें तो P बराबर एक होता है हमारा VI। सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा P बराबर I² R, ये आपको पता होना चाहिए। P बराबर एक होता है हमारा W/T, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक होता है हमारा P बराबर V² R। ये चार फॉर्मूलाज हैं, तो पावर के हमारे फॉर्मूला है चारों। ओके, इन चारों से क्या है, एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अंदर आपको क्या है, इनकी इकाई पूछ लेगा, किसी की भी इकाई देखेंगे तो वो अलग अलग इकाई बन रही है, तो वो इकाई के अंदर भी आपको फंसा सकता है पावर के फॉर्मूलाज के हिसाब से। जैसे इसकी इकाई की बात करें, वैसे पावर की जो टोटल इकाई है वो आपको पता है वाट होती है। पावर की जो टोटल इकाई है उसे बोलते हैं वाट। अगर इसकी इकाई की बात करेंगे तो वो होगी हमारी वोल्ट गुना में एम्पियर। यहां पर क्या होगा, आई की इकाई क्या होती है, एम्पियर स्क्वायर गुना में आर की होगी ओम। यहां ये डब्लू फिर आ गया, डब्लू को पता है आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या हो रही थी, वाट गुना सेकंड। तो ये हमारी क्या है, वाट गुना सेकंड बटा में टाइम। टाइम को भी क्या लिखेंगे, सेकंड से लिखेंगे। सेकंड से सेकंड कैंसिल करेंगे तो यहां से ये इकाई बनी है हमारी वाट। ओके, नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज का स्केयर। ये हमारा क्या है, वोल्ट स्केयर बटा में क्या होगा हमारा ओम। ये हमारी क्या है, लास्ट जो फोर्थ इकाई है वो होती है वोल्ट स्केयर बटा में ओम। ओके, तो ये बातें हो गई पावर की बातें। अब जो सबसे लंबा जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो होगा प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, काफी क्वेश्चन पूछते हैं प्रतिरोध के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को लिखते हैं प्रतिरोध से। प्रतिरोध होता क्या है, आप सभी को पता है, प्रति मतलब रोध, किसी का विरोध करना उसे बोलते हैं प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध किसका विरोध कर रहा है, जो हमारा धारा है, जो हमारी धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। धारा का जो विरोध करेगा वो हमारा कौन करेगा, प्रतिरोध करेगा। ओके, इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, प्रतिरोध की जो इकाई होगी वो क्या होगी हमारी ओम। प्रतिरोध की इकाई होती है हमारी ओम। और प्रतिरोध को मापने का यंत्र होगा, मापने का यंत्र जो होगा वो होगा ओम मीटर। ओके, ये प्रतिरोध को मापने का यंत्र होता है ओम मीटर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो प्रतिरोध है उसको हम अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला होगा प्रतिरोध का सीरीज के अंदर जोड़ेंगे, फिर क्या है, प्रतिरोध को पैरेलल में देखेंगे कैसे हल होता है। नेक्स्ट, जो प्रतिरोध का जो आर बराबर रो एल बटा ए है, इस फॉर्मूले बेस पे प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। और एक क्या होता है, जो प्रतिरोध है टेम्परेचर के साथ कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है प्रतिरोध के अंदर उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में
जोड़ना, प्रतिरोध है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारा एक प्रतिरोध ये है, ये प्रतिरोध का सिंबल आपको पता होना चाहिए, दूसरा प्रतिरोध है हमारा ये, इन दोनों प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत यहीं पर आती है कि प्रतिरोध को चेक कैसे करेंगे, ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में हमारा प्रतिरोध है। इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए अगर हमारा श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध है, इस कंडीशन में क्या होगा, धारा जो होगी हमारी वो क्या होगी, जितने भी प्रतिरोध होंगे उसमें क्या होगी हमारी धारा बराबर होगी। मतलब ये हमारा R1 मान लिया हमने, ये R2 माना है, इसको हमने वोल्टेज दे दी टोटल वोल्टेज V। वोल्टेज देने के बाद इसके अंदर हमारा करंट फ्लो होगा, करंट प्रवाह होगा I। ये जो I है वो R1 में भी इतना होगा और R2 में भी सेम होगा जितना R1 के अंदर है। ओके, तो इसीलिए क्या है, प्रतिरोध अगर हमारा श्रेणी क्रम में है उसके अंदर धारा बराबर होती है। और बात करें हम वोल्टेज की, वोल्टेज क्या होगी इसके अंदर, अलग अलग, मतलब डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज, वोल्टेज हमारी इसके अंदर क्या है, डिवाइड हो जाएगी। मतलब R1 प्रतिरोध है इसके अंदर अलग वोल्टेज होगी हमारी, और R2 प्रतिरोध है इसके अंदर अलग वोल्टेज होगी। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन होता है श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, धारा श्रेणी क्रम में बराबर होती है, वोल्टेज क्या है अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध निकालना हो हमें, टोटल तो कैसे जोड़ते हैं, जैसे दो प्रतिरोध है R1 और R2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2, ये हमारा क्या है श्रेणी क्रम का टोटल प्रतिरोध होगा। डायरेक्ट जैसे दो प्रतिरोध है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, अगर हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है RT, टोटल प्रतिरोध, तो क्या होगा, 5 और 6, 5 प्लस 6 बराबर 11, 11 ओम हमारा क्या है टोटल प्रतिरोध इसका मिलेगा श्रेणी क्रम के अंदर। ओके, अब आगे देखते हैं समांतर क्रम में हो तो कैसे प्रतिरोध को हम निकालेंगे, समांतर क्रम में हो तो प्रतिरोध को हम कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। ये है हमारे पास दो प्रतिरोध, इनको जोड़ दिया मैंने समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल के अंदर, और ये हमारे क्या है टोटल वोल्टेज है V। ओके, ये हमारा है R1, ये हमारा है R2, इसके अंदर वोल्टेज देने के बाद हमारा करंट जाएगा यहां से, ये करंट जाता हुआ यहां तक पहुंचेगा, इस नोड तक, इसे बोलते हैं नोड, इस नोड तक पहुंचेगा। नोड तक पहुंचने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो हमें पता है जहां पर दो रास्ते फटेंगे, दो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, तो वहां से क्या है हमारा I1 और I2 करंट भी क्या है अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पैरेलल के अंदर जो धारा होगी वो क्या होगी, डिवाइड होगी, मतलब अलग अलग होगी, और पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होगी वो हमारी क्या है बराबर होगी, जितनी वोल्टेज R2 के पास है उतनी वोल्टेज हमारी R1 के पास होगी पैरेलल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ओके, अब एक सर्किट लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये दो प्रतिरोध है, ये है 5 ओम का, ये भी है 5 ओम का, अगर हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है इसका तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये दोनों है इनका हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है R टोटल, तो वो कैसे निकालेंगे, R टोटल निकालने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, R1 गुना R2, ऊपर तो दोनों को क्या है मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों को क्या है जोड़ करना है। अगर हमारे पास दो प्रतिरोध हो, ऊपर दोनों को गुणा, नीचे दोनों का जोड़। ओके, जैसे ये दोनों प्रतिरोध है,
इसके अंदर हमें निकालना है आर टोटल। ऊपर तो दोनों की क्या है गुना करनी है, पांच गुना पांच। देखो दोस्तों आर टोटल हमें निकालना है इसका, तो कैसे करेंगे, पांच गुना पांच, पांच प्लस पांच बराबर पांच, और पांच को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 25, पांच और पांच 10, मतलब टोटल हमारा पास क्या है 2.5 ओम हमारा प्रतिरोध होगा इस परिपथ का। यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास, आपको मैं एक नोट लिखाता हूं, उस नोट पे ध्यान देना, अगर हमारे पास सेम वैल्यू के दो प्रतिरोध हो तो टोटल प्रतिरोध एक वाले प्रतिरोध किसी एक वाले प्रतिरोध का आधा होगा। ये ध्यान रखना है आपको, जैसे मेरे पास दो प्रतिरोध है पांच और पांच, दोनों की सेम वैल्यू है, ओके, दो प्रतिरोध हमारे पास, टोटल वैल्यू निकालना है तो किसी एक प्रतिरोध का मतलब पांच उठा लिया हमने, किसी एक पांच को उठा लिया, किसी एक वाले प्रतिरोध का आधा होगा, मतलब इसका आधा करेंगे तो वो 2.5 ही होगा। ये हमारा क्या है डायरेक्ट इसका टोटल प्रतिरोध निकल सकता है ऐसे, ओके। अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध हो तब हम क्या करेंगे उसके अंदर भी हम थोड़े देखते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है, अगर हमारे पास दो प्रतिरोध हो तो। अब एक और तरीका हमारा क्या है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 मेथड से, ये वाला भी तरीका क्या है हम इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दो प्रतिरोध थे पहले वाले, उसी को लेकर चलते हैं पांच और पांच का, इसके अंदर क्या है टोटल प्रतिरोध निकालना है हमें, 1/5 प्लस 1/5 कितना आ गया हमारा ऊपर 2 नीचे 5, ये हमारे पास क्या है 2/5 हमारा क्या है 1/r है हमारा। हमें अगर इसको पलटेंगे r निकालना है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, इसको पलटेंगे 5/2 यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2/2.5, ये हमारा क्या है टोटल प्रतिरोध इसका, इस तरीके से भी निकल सकता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया ये मेथड, और इससे भी डायरेक्ट मेथड क्या है, दोनों की वैल्यू सेम हो आधा करना है। जैसे हमारे पास दो प्रतिरोध है 6 ओम और 6 ओम का, इसकी वैल्यू निकालनी है टोटल प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे इसको आधा कर देंगे, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम आधा करेंगे, मतलब 3 आएगा टोटल, हमें पता है यहाँ पर कितना भी हो 10 वैल्यू हो इसको आधा कर देंगे, एक प्रतिरोध को कितना वैल्यू आएगी 5 आएगी, निकाल के देख लेते हैं, 10 गुना 10 10 प्लस 10 100/20 20 50 100, ये 5 आ गए। ये हमारा क्या है मेथड होता है सीरीज और पैरेलल का। तो